ईयर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और इसकी फिफ्थ यूनिट बायोकेमिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ लिया है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में, या पेंटोज फॉस्फेट पथ के बारे में। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, इसके दो स्टेप्स होते हैं या दो अवस्थाओं में इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पथ को फॉस्फोग्लूटोनेट पथ या वारबर्ग डिकन्स पथ या एक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज उपापचय का यह पथ जो है लीवर में मेमोरी ग्लैंड्स, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एडिपोस टिश्यूज में पाया जाता है। इस पथ को दो प्रावस्थाओं में, टू फेजेज में डिवाइड किया जा सकता है, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज या ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है डीहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में यह 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर NADPH में कन्वर्ट होता है। सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन। यहाँ पर एंजाइम ग्लूकोनोलेक्टोनेस की उपस्थिति में हाइड्रोजन जल का अणु जो है वो टूटता है और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक लेक्टोन जो है यह 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में डीहाइड्रोजिनेशन सेकंड। एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेस डीहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निष्कासन होता है, NADP प्लस जो है NADPH में कन्वर्ट होता है, और राइबुलोस 5-फॉस्फेट जो है वो बनता है। यह 5 कार्बन युक्त होता है और मध्यवर्ती अस्थाई यौगिक होता है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया होती है और एंजाइम फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज की उपस्थिति में राइबुलोज 5-फॉस्फेट जो है इसमें आइसोमेरिज में होकर के राइबोज 5-फॉस्फेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है एपिमराइजेशन, इसमें एंजाइम फॉस्फोपेंटो एपिमरेज के द्वारा राइबुलोज 5-फॉस्फेट का रूपांतरण जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में होता है। तो ये प्रक्रियाएं जो है राइबुलोज 5-फॉस्फेट के आगे वाली प्रक्रियाएं नॉन ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आती हैं। तो अभी मैंने जैसा कि बताया था कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में टू स्टेप्स होते हैं या टू स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज के बारे में अभी हमने पढ़ा, ऑक्सीडेटिव स्टेज है, इसमें राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनता है, और आगे वाली प्रक्रियाएँ जो हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं इसमें आती है। नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में जैसा कि इसमें इसको दूसरे तरीके से दिखाया गया है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ऑक्सीकारी प्रावस्था में निर्मित पेंटोज फॉस्फेट अधिक मात्रा में एकत्रित नहीं होते हैं, और द्वितीय प्रावस्था में ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोरेज एंजाइमों के द्वारा प्रेरित जटिल प्रक्रमों द्वारा इनका रूपांतरण फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। यानी कि यह प्रक्रिया वापस उल्टी चलती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड पेंटोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट वापस बनते हैं। इसका स्टेप फर्स्ट जो है इंटरैक्शन बिटवीन स्टेप 4 एंड स्टेप 5। एंजाइम ट्रांसकीटोलेज के द्वारा जाइलुलोज 5-फॉस्फेट से
वापिस राइबोज 5-फॉस्फेट में यह कन्वर्ट हो जाता है और इस क्रिया के लिए TPP को एंजाइम और मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायोज एंड हेप्टोज टू फॉर्म टेट्रोजेस एंड हेक्सोसेस। एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज की उपस्थिति में सेडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बदल जाती है। इस पद में फ्रैक्टोज 6-फॉस्फेट तथा एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 5th स्टेप प्रोडक्ट एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में जाइलुलोज 5-फॉस्फेट से एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का निर्माण होता है और अंत में ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का रूपांतरण ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है यह प्रक्रिया जो है वो दोनों तरफ चलती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो इस प्रकार से लास्ट में जाते हुए इनके द्वारा वापस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का वापस निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है एचएमपी संट में ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स प्रवेश करते हैं और इस पथ में 12 NADPH और हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो यहाँ पर 36 ATP के अणु उत्पन्न होते हैं। इसमें ग्लूकोज के ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में रूपांतरण हेतु 1 ATP का उपयोग होता है, अतः कुल मिलाकर के 35 ATP के अणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस पथ में ATP का उत्पादन ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन HMP संट ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। तो HMP संट का मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए आवश्यक पेंटोज का सिंथेसिस होता है, इस पथ में एक्सोज का दहन होता है, इस पथ में निर्मित NADPH2 का उपयोग वसा और स्टीरोइड सेतु किया जाता है और इस पथ में 36 ATP का निर्माण होता है, इस पथ में होने वाला ग्लूकोज का ऑक्सीकरण TCA साइकिल से फ्री होता है और इस चक्र के घटक एस्कॉर्बिक अम्ल और ग्लूक्यूरोनिक अम्ल के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज 6-फॉस्फेट ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अब यहाँ पर यह पथ जो है वो दो रूपों में चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। यहाँ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में, यह एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के साथ में जुड़ करके सीडो बेप्टुलोज 7-फॉस्फेट एंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ में जुड़ करके यह जाइलुलोज 5-फॉस्फेट एंड राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एपीमरेज के द्वारा या आइसोमरेज के द्वारा यह राइबुलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर लैक्टोनेज एंजाइम और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर के 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में वापस कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नीचे की तरफ 2 पाथवेज है और ऊपर की तरफ जो है यह साइक्लिक वे में यह पाथवे चलता है। थैंक यू वेरी मच।